बिग बॉस ओटीटी 3 के कंटेस्टेंट और खासकर अरमान मलिक इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं, और वजह एक ही है, माफ कीजिएगा, दो वजह है उनकी दो शादियां। जब से अरमान मलिक अपनी दो बीवियों को लेकर शो में आए हैं, तब से इनको हर कोई मंदिर का घंटा समझकर बजाता ही जा रहा है। पहले तो डेवोलिना इनको जमकर लपेट रही थी, और अब एक और एक्ट्रेस ने ये जिम्मा उठा लिया है, और इस एक्ट्रेस ने अरमान मलिक की तुलना जानवरों से भी कर दी है। तो आइए आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ कहा है इस एक्ट्रेस ने और कौन है वो एक्ट्रेस। स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में, मैं आपके साथ कुणाल। आपको बता दें कि तनाज ईरानी और दीपशिका नागपाल ने एक इंटरव्यू के दौरान बिग बॉस ओटीटी 3 के कंटेस्टेंट्स के बारे में बात की है। उनसे अरमान मलिक और उनकी दो शादियों को लेकर सवाल किया गया, जिस पर दीपशिका ने कहा, ये उनकी लाइफ है, वो एक रखें या 10 रखें, हमें क्या लेना देना। वहीं तनाज ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहना। इतना कहने के बाद तनाज आगे कहती हैं, मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं कि हम इंसान हैं, सोसाइटी में एक बार ही शादी की जाती है, मुझे लगता है कि वो सोचते हैं कि वो जानवर हैं। अगर आप में दम होता तो आकर अपनी पहली बीवी को बोल देते कि मुझे तलाक चाहिए दूसरी शादी करने के बाद, एक मर्द बनो। आप दो पत्नियां रखकर ये नहीं कह सकते हो कि मैं मर्द हूँ, ऐसा नहीं होता है। इसके आगे तनाज ने दीपशिका से पूछा, पहले मुझे ये बताओ कि इन पत्नियों ने कैसे इसे स्वीकार किया, ये कौन से इतिहास में लिखा है कि आप दो दो पत्नियां ला सकते हो, ये बहुत अजीब है, और मुझे लगता है इन औरतों में बहुत ही कम आत्मसम्मान है। वैसे आपको बता दें कि देवोलिना ने भी अरमान एंड फैमिली पर कटाक्ष किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि क्या आपको लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है, ये एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि गंदगी है। खैर, आप सभी को क्या लगता है, अरमान पर जो चौतरफा वार हो रहा है घर के अंदर भी घर के बाहर भी, वो जायज़ है या फिर नहीं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।